जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के कष्टों को दूर करने वाली देवी, सर्व विश्व की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और इस संसार की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम ईश्वरी कही जाती हो। इस संसार की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। हे देवी, आपका पराक्रम विपुल है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे भगवती, आप अत्यंत बल युक्त विष्णु की शक्ति हो तथा शिव विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण संसार को आपने अपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे चंडिके, एक तुमसे ही यह संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विराजमान हो, स्वर्ग व मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से सब जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रयी, हे गुणमयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्माणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए, हे बाराहा रूपणी, हे शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण करके असुरों को मारने वाली त्रिलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महाव्रज धारण किए, सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वत्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्रिय, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महारावे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड मान से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महा अविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति बाभरी
तामसी नित्या और ईशा स्वरूपी हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्तिमान हे दुर्गे आप हमारी समस्त भयों से रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी तीन नेत्रों से विभूषित मुख वाली हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाले त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे देवी अपनी ध्वनि से सब विश्व को व्यापत कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथों में चमकता हुआ खड़ग हमारी रक्षा करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न होकर समस्त रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश कर देती हो। आपकी शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती है। जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। इन समस्त कामों के करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली वेदों तथा शास्त्रों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस संसार को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो जहां राक्षस भयंकर विषैले सर्प दुश्मन चोर डाकू और लुटेरों के दल एवं दामानल हो वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व को परिचालक विश्व रूप होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व आश्रय होते हैं। देवी आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस प्रकार असुरों का वध करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है उसी प्रकार हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी हम आपके चरणों में पड़े हैं। हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोकीय निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी आप हम सबको वर दें। तब देवी बोली हे देवगण मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वर मुझसे मांगो मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले हे अखिलेश्वरी आप इस त्रिलोकी की समस्त बाधाओं का दमन करती रहिए। देवी बोली वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर फिर पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य गण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंती नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों की प्रार्थना करने पर बिना गर्भ के मैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं उसके बाद मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा ना होगी तब तक समस्त
संसार का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी विख्यात होगा और उस समय में मैं दुर्गम नामक राक्षसों को मारूंगी, जिससे कि मेरा नाम भगवती दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनि जनों की रक्षा के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बना करके उस महा असुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मानव मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतरित होकर असुरों का विनाश करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक अध्याय समाप्त। जय माता दी।